यूके न्यूज़ खबरों की नई पहचान। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसके तहत धनबाद जिला भी पूरी तरह लॉकडाउन है। ऐसी स्थिति में गरीब और जरूरतमंदों के समक्ष खाना का संकट खड़ा हो गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कई जगहों पर अनाज का वितरण किया, साथ ही एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाए जाने की बात कही, जिसके तहत रेड क्रॉस भवन में कच्चे खाने का पैकेट अपने सहयोग से रखवाया, ताकि जरूरतमंदों को कच्चे खानों की आपूर्ति की जा सके। वहीं विधायक राज सिन्हा ने बताया कि शहर में पके हुए भोजन के लिए गुरुद्वारा सीमित और कई थानों में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था हुई है, जबकि उनके द्वारा रेड क्रॉस भवन में कच्चे अनाजों का पैकेट रखा गया है, ताकि वितरण के दौरान रिपीटेशन ना हो सके और जरूरतमंदों तक खाना पहुंच सके। दूसरी तरफ SDM रामेश्वर ने बताया, कई सामाजिक संस्था और खाद्य आपूर्ति निगम से आज मंगलवार को अनाज तथा कच्चे खाने की व्यवस्था मिलने वाली है, जिसे एक सुनियोजित तरीके से शहर और जिले में वितरण किया जाएगा, ताकि कोयलांचल का कोई भी परिवार इस लॉकडाउन की स्थिति में भूखा ना रह सके। नहीं, यहाँ पे एक केंद्रीय व्यवस्था यहाँ खड़ी की जा रही है, कच्चा अनाज लोग यहाँ से दे और जिनको आवश्यकता है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि सब लोग आपस में बांटने लगते हैं अलग अलग, तो एक ही जगह रिपीटेशन भी हो जा रहा है। तो इस प्रकार SDO साहब ने एक बैठक करके इसमें व्यवस्था किया था, कच्चा खाना यहाँ से और पक्का खाना जो है वो गुरुद्वारा से, बटकुरिया में गुरुद्वारा जो है, बड़ा गुरुद्वारा, तो उसके तहत हमने भी और यहाँ पे आज अपना पैकेट बना के 10 क्विंटल चावल और दाल, चावल दाल का पैकेट बना के हमने भी डोनेट किया है, कि जिनको आवश्यकता हो वहाँ अपना जाकर उसको बांटा जाए।